बाजारों की ओर से हमारे बाजारों के लिए मिडवीक कैसे संकेत है? बिल्कुल सपाट सा माहौल गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में है, 24,490 के पास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स की बात करें, हल्की सी नरमी आज यहां दिख रही है 13 पॉइंट्स की। नैसडैक फ्यूचर्स की बात करें तो ठीक इसके विपरीत 27 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ है। एशियन मार्केट्स पर आते हैं, 125 अंकों की मजबूती लेकर निकले हम देख रहे हैं अपने लाइफ हाई लेवल्स के करीब ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी मार्केट्स भी जो खुले हैं फिलहाल हम देख रहे हैं थोड़ा सा मिक्स बैक ट्रेड ही यहां देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल लगातार तीसरे दिन टूटा है, सोने चांदी में निचले स्तरों से मामूली रिकवरी दिखी है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? कल पावेल साहब की एक मेजर टेस्टिमनी भी हुई है, उससे क्या कुछ निकल कर आया, आइए सब समझते हैं। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुकी हैं। नुपुर, देखा जाए तो डेटा के लिहाज से, इवेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन था, तो वो भी बताइए और जरा ये भी बताइए कि मार्केट्स ने रिएक्ट कैसे किया है। गुड मॉर्निंग। वैसे तो आज भी महत्वपूर्ण दिन है, हैप्पी बर्थडे नेहा आपको, और आप जब भी आती है तो मार्केट नया रिकॉर्ड बनाता है। थैंक यू सो मच। तो उसी मंगलमय शुभकामनाएं के साथ इस साल आप बहुत सारी मैराथन दौड़े। थैंक यू सो मच नुपुर, दैट्स द बेस्ट विश आई हैव गॉट। बट बताइए मार्केट। बिल्कुल, काफी कुछ हुआ है कल यूएस बाजार में रिकॉर्ड लेवल पे नैसडैक है, लेकिन पावेल साहब की कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि ज्यादा दिन तक भी अगर ज्यादा देरी भी करी अगर रेट कट में तो वहां पर भी दिक्कतें हो सकती है। हालांकि उनकी नजरें काफी सारे मैक्रो डेटा पर है, इन्फ्लेशन के डेटा को लेकर यहाँ पर बनी हुई है, और ये हमेशा से उनका कंसर्न रहा है कि 2% के नीचे इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है उस पर ही फोकस करते हुए दिखेंगे। कल हमने देखा फिर से एक बार रिकॉर्ड लेवल पर अमेरिकी बाजार ट्रेड करते हुए दिखे, हालांकि डाउ में थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन नैसडैक और S&P यहां पे मजबूती बरकरार है। छठे दिन यहां पे नए रिकॉर्ड हाई आते हुए दिखे, और पावेल साहब की जो कमेंट्री कल हमने देखी वहां से काफी कुछ डेटा पॉइंट निकल कर आया। उनका कहना है कि जल्दबाजी में नहीं है रेट कट की, हालांकि ज्यादा देर तक भी वो जो है वो ऊंचाई पर नहीं रख सकते रेट, तो दोनों तरफ की कमेंट्री आती हुई दिखी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्याज दरों में कटौती करने की जल्दी नहीं है, महंगाई को लेकर वो सतर्क है, ढील देने की फिलहाल उन्हें तैयारी नहीं उन्हें नजर आ रही है। ढील अगर कमजोर महंगाई का जो 2% पर टिकने का जो भरोसा है और अच्छे डेटा जो है उस पर ही वो फोकस करते हुए नजर आए। जॉब डेटा अभी भी मजबूत है, इकोनॉमी की जो गतिविधियां है वो भी काफी स्ट्रांग नजर आई है, तो काफी कुछ डेटा पॉइंट निकल के आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कल वहां पर महंगाई के आंकड़े आते हुए दिखेंगे तो वो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहेगा यूएस के बाजार के लिहाज से। यहां पे आपको फोकस करके चलाएं, कल जो महंगाई के आंकड़े आएंगे उसके बाद एक क्लैरिटी बाजार को और भी मिलती हुई दिखेगी कि फेड चेयरमैन साहब आगे चलकर क्या दिशा यहाँ पे लेते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, काफी सारी कंपनीज, बैंक्स के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे, वहां पर भी हम फोकस करके चलेंगे। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कमजोरी के साथ कल ट्रेड करते हुए नजर आया था, कल यूरोप में कमजोरी बनती हुई दिखी थी, सारे ही बाजार देखे तो 0.5% से 1.5% तक की कमजोरी के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। एशियन बाजार सुबह देखे तो आपको मिला जुला कारोबार यहाँ पे नजर आएगा, गिफ्ट निफ्टी भी हल्की बढ़त के साथ फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखा। जापान के बाजार देखे तो करीबन 150 अंक ऊपर नजर आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट कह सकते हैं कि आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कमोडिटीज में लगातार तीसरे दिन कच्चे तेल में जो है सुस्ती बरकरार है, क्रूड 85 के पास आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा, करीबन 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आते हुए नजर आ रहा है। सोना चांदी में जो है तेजी वो बनी हुई रहेगी, मेटल्स में सुस्ती जारी है। तो पावेल साहब की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट थी डेटा पॉइंट के लिए, आज से यूएस बाजार में फिर से रिकॉर्ड बनते हुए दिखा नैसडैक और S&P में। डाउ में थोड़ी कमजोरी लगातार यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन कल महंगाई के आंकड़े आएंगे वहां पर रहेगी बाजार की नजर। चलिए, तो आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इवेंट्स का सिलसिला यहाँ पर जारी रहने वाला है, और कल एक कमेंट्री, आप कह सकते हैं एक सेट ऑफ कमेंट्री निकल कर आई और उस पर मार्केट्स ने रिएक्ट किया, पॉजिटिवली ही रिएक्ट किया है। चलिए, थैंक यू नुपुर पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे ग्लोबल क्यूज हमें मिलते हुए